नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, लोग घुटने भर पानी से आ जा रहे हैं। बनारस में झमाझम बारिश के बाद आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के रविंद्रपुरी का नज़ारा। आप देख सकते हैं पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी है। 3 दिनों की बारिश के बाद अभी सब कुछ थम सा गया है, लेकिन सड़कों पर जल जमाव जस का तस बरकरार है। यही सड़क रविंद्रपुर से BHU की ओर जाती है और इस पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम हैं पद्मश्री चौराहे पर। यह सड़क रविंद्रपुरी से होते हुए दुर्गा कुंड, उसके बाद BHU और 80 की ओर जाती है। इस सड़क पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने वाहन से आने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही इनकी गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। रविंद्रपुरी की सड़क पर भारी जल जमाव है, उसके बाद मैनहोल के ढक्कन को खोलकर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते किसी की मौत भी हो सकती है या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर जिला प्रशासन पानी निकासी की उचित व्यवस्था किया होता तो आम जन को इस तरह के खतरे मोल नहीं लेने पड़ते। आप देख सकते हैं रविंद्रपुरी की यही सड़क प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए जाती है। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के कार्यालय के बाहर भी पानी लगा हुआ है, तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। आज से पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस का ऐसा अलौकिक नजारा नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं रविंद्रपुरी की पूरी सड़क पर जगह जगह वाहन फंसे हुए हैं। कार की रफ्तार मानो थम सी गई है, लग रहा है किसी समुद्र में गोते लगा रहे हैं। किसी के लिए यह जल जमाव मुसीबत है तो किसी के लिए मनोरंजन का साधन है। रविंद्रपुरी चौराहे पर चारों तरफ घुटने के बराबर पानी है। हम आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं और देखते हैं आगे का नजारा कैसा है। आप देख सकते हैं इस बच्चे के साइकिल की पहिया आधी डूब चुकी है और वह बड़ी मुश्किल से उसमें से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपना संतुलन लगातार खोता जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रविंद्रपुरी का यह रास्ता कीनाराम आश्रम की ओर जाता है और दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। इसी पानी से होकर लोग आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इनका भी संतुलन खो चुका है, फिर भी ये अपनी गाड़ी को आगे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं ये सफल हो पाते हैं या नहीं। कुल मिलाकर बनारस में भारी जल जमाव है। 3 दिनों की बारिश के चलते पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
रविंद्रपुरी का यह इलाका कभी रिहायशी हुआ करता था, आज पूरी तरह इसका स्वरूप व्यावसायिक हो चुका है। जगह जगह खाने पीने के सामानों की दुकानें लग चुकी हैं, किंतु आज इन पर ताले जड़े हुए हैं। भारी जल जमाव के चलते आज संडे को भी ग्राहकों का अभाव ही रहेगा इस रविंद्रपुरी कॉलोनी में। रविंद्रपुरी में सब्जी वाले का पूरा ठेला एक तरफ पलट गया है। अब उसमें से बचा हुआ सामान किसी तरह सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारी जल जमाव के चलते पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। लोगों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो सड़क का हालत कैसा है यह किसी को नहीं पता। इसी गड्ढे में यह ट्राली पलट गई और इनका पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर आने जाने वालों से क्लाउन टाइम्स की अपील है कि सड़क का पानी निकलने के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है, लिहाजा यहाँ के रहने वाले लोगों ने जगह जगह मैनहोल के ढक्कन खोल दिए हैं। जहाँ पर कोई ऐसा खतरे का निशान नहीं बनाया गया है, अगर किसी से चूक हुई तो वो सीधे मैनहोल में जाएंगे और ईश्वर को प्यारे हो सकते हैं या उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। खासकर दो पहिया वाहन वाले आगे बढ़ें लेकिन संभल कर चलें। रविंद्रपुरी की सड़क पर भारी बारिश के चलते कुरुक्षेत्र तालाब के समीप यह पेड़ पूरी तरह धराशायी हो चुका है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के रविंद्रपुरी कॉलोनी से क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी का भारी बरसात के बाद का अद्भुत नज़ारा। आप देख सकते हैं BHU ट्रामा सेंटर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। नगवा पुलिस चौकी का निचला हिस्सा भी जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग अपने वाहनों से किसी तरह इस पानी से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। घंटों पहले बारिश समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के इस स्मार्ट सिटी का ऐसा बुरा हाल आप अपनी आंखों से खुद देखिए। इस कार को देखिए, जैसे लग रहा है कहीं समुद्र में से ये आगे बढ़ रही है। देख सकते हैं मानस मंदिर के ठीक सामने शनि देव का मंदिर, जहां पर विशाल पीपल का पेड़ भारी वर्षा के कारण गिर गया है। मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी दीवारें सड़क पर आ चुकी हैं। इस पेड़ के गिरने के चलते पूरा मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, जिसे पेड़ की डालियों को काटकर खाली कराया गया है। अभी भी पूरी सड़क पर पेड़ की डालियाँ जगह जगह पड़ी हुई हैं। मार्ग पूरी तरह सुगम नहीं है, लोग जाम से दो चार हो रहे हैं।
खाना है, हार्ट को बचाना है, तेल कम खाना है, हार्ट को बचाना है, तो प्रति व्यक्ति पे तेल कितना, आधा लीटर एक महीना, प्रति व्यक्ति पर चलना कितना, 10,000 कदम मिलना, हार्ट के है दुश्मन तीन, जंक फूड पेप्सी नमकीन, हार्ट के है दुश्मन तीन, जंक फूड पेप्सी नमकीन। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। ये जानते हैं कि हृदय दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं काशीवासियों को। देखिए, आज विश्व मधुमेह हृदय दिवस है और पेनेसिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम सब लोग हर साल की तरह तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज निकल के जागरूकता का संदेश पूरे काशीवासियों को देना चाहते हैं। हम उन सब लोगों को नए लाइफस्टाइल तरीके से रहना, कैसे हार्ट अटैक को बचाना है, इसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। हम सब लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, अगर आपने ये ठान लिया है तो आप अपना मैसेज जरूर जन जन तक पहुंचाएंगे। और मेरी काशीवासियों से अपील है कि जो बातें हम लोग यहाँ कह रहे हैं निस्वार्थ भाव से 5 से 10 लोगों को बताएं, ताकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है हार्ट अटैक, इस पर हम लोग विजय प्राप्त कर पाए। और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम सब लोगों के द्वारा हो, ताकि विश्व ये देखे कि यहाँ से हम लोग ये काम कर सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पल्लवी मिश्रा। ये जानते हैं आज के दिन क्या आपका संदेश है। देखिए, आज विश्व हृदय दिवस है, 29 सितंबर को हम लोग विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने अपनी जन जागरूकता रैली निकाली है, और इस रैली के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे स्लोगन बना करके जनमानस तक पहुंचाते हैं कि कैसे हम लोग अपने हृदय को बचा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्लोगन बनाए, आपने देखा कि रोज कितना चलना है तो 10,000 कदम चलना है, तेल कितना खाना है तो एक महीने में आधा लीटर खाना है, नमक कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, फल सब्जी सलाद खाना है। तो जो हमारे जनमानस के लिए ज़रूरी है छोटी छोटी बातें, ये हम लोग इस रैली के माध्यम से लोगों को बताते हैं और ये हर वर्ष हम लोग करते हैं। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।